अस्सलाम रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। आज की हमने इस लेक्चर में या इस क्लास में हमने जो कवर करना है वो लेक्चर नंबर 25 कवर करना है, डेटा स्ट्रक्चर का। और स्टार्ट करते हैं जी। हमने इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमने एक्सप्रेशन ऑफ ट्री देखना है, जिसमें हमने पहले यही देखा था कि हम लोग कैसे जो है वो काम कर रहे थे। जब भी हम किसी कैटेगरी का कोई भी ट्री बनाते हैं तो हमने रोटेशंस को परफॉर्म किया था, हमने एवियल ट्री की बात की थी। तो हम आज भी इसके अंदर वही देखेंगे जो हम पहले देखते आ रहे हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास हुफमैन इनकोडिंग का। तो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रीज क्या होते हैं, वो कहता है जब भी आपका कंपाइलर और आपका डेटाबेस, ये दो मेजर एग्जांपल्स हैं किसकी जी, कंप्यूटर साइंस में जब भी आप किसी भी ट्री को जो है वो जनरेट करते हैं। कैसे होती हैं वो हम आगे जाके देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, सिंपल आपको बता रहा है कि आपने कैसे, यानी कंपाइलर के केस में कहता है कि जब भी आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है मशीन लैंग्वेज में, तो ट्री तरह का एक स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपका कंपाइलर कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करता है ना, ट्रांसलेट से मतलब उसको कन्वर्ट करता है, तो वो मशीन लैंग्वेज में यानी 0101 की फॉर्म में कन्वर्जन जो है वो करके दे रहा होता है आपको। अब यहाँ पे देखो, तो सिंपल सा एक ट्री है जिसमें हमने पहले भी देखा था ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये वही ट्री है आपके पास जो हमने पिछले वाले आपके जो लेक्चर है उसके अंदर देखा था। यहाँ पे लीफ नोड कौन से हैं जो बिल्कुल आखिर में है, देखें बिल्कुल लास्ट में ये वाले, ये लीफ नोड्स हैं। कहता है ये वो नोड्स हैं, आर सच नोड्स, ये वो नोड्स हैं जो कि लेफ्ट और राइट सब ट्री जिनका नल है, यानी देखो यहाँ पे ये पेरेंट नहीं है खुद भी, अगर ये पेरेंट होते तो ये लीफ ना होते। अब यहाँ पे देखें ये कुछ भी नहीं है, तो ये आपके पास कितने आसान है इन नोड्स को डिलीट करना, इनका आगे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये इसी ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और ये बात याद रखनी है कि ये जो मल्टीप्लाई है इसकी पैरिटी, पैरिटी का मतलब प्योरिटी, इसकी पैरिटी, ये हम लिखते हैं डेटाबेस के अंदर वर्ड, लेकिन हम इसे प्योरिटी इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, इसकी प्योरिटी ज़्यादा है क्योंकि डिमास टूल के मुताबिक हमने जो है वो चलना होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ है जो आपको बताई जा रही है। हाँ, प्रीफिक्स क्या होता है ये याद रखना आपने, प्रीफिक्स इनफिक्स और पोस्ट फिक्स। जिस तरह देखो मैं कहता हूँ ए प्लस बी, ये आपके पास जो है ये क्या है, ये आपके पास इनफिक्स है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेटर है। अगर प्लस ए बी होता तो ये आपके पास प्रीफिक्स था, ठीक है। और अगर ए बी प्लस, ये पोस्ट फिक्स है क्योंकि ऑपरेटर बाद में आ रहा है, पोस्ट का मतलब बाद में, इन का मतलब दरमियान में, और प्री का मतलब पहले। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। अब ये वही काम है जो आपको बता रहा है कि सिंपल जब भी इस तरह का कोई भी ट्री है तो आपने बिल्कुल लीफ नोड से जो है वो स्टार्ट करना है। लीफ नोड देखें, जिस तरह ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, अब इस तरह लिखा जाएगा ए प्लस फिर बी फिर मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये इस तरह से आपके पास जो है ना वो पूरी एक टर्म बन जाएगी, पूरी एक फॉर्म बन जाएगी। और ये इन ऑर्डर में, ये देखो इन ऑर्डर में कहता है आपने लिखना है, तो इन ऑर्डर में आपको पता है कि दरमियान में उसके साइन आएंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी फिर प्लस। अब देखो ये जो आपके पास प्लस है ये पेरेंट नोड है क्योंकि दो चीजें हैं, एक ब्रैकेट में इसने पहले आपको, यानी पिछले लेक्चर में एग्जांपल इस तरह दी हुई थी कि ए प्लस बी कुछ भी था और यहाँ पे प्लस करना था, तो दोनों ब्रैकेट्स को जब भी आपने सॉल्व करना था तो आपने आखिर में उनके आंसर को प्लस ही करना था, तो प्लस इसका यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड था, ठीक है। तो ये वो चीज़ आपको बता रहा है, इसका कोड देखते हैं। और यही कोड आपका हम एक दफा कोड समझेंगे, आगे सारा का सारा कोड आपका जो है वो सेम होगा। आप यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं, जब भी आपको फंक्शन का यहाँ पे कहा जाता है ना, यानी आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपका फंक्शन है, उसके लिए हम कीवर्ड देखते हैं वॉइड सी प्लस प्लस में, ये बात आपने याद रखनी है। देखिए वॉइड तो इसका मतलब फंक्शन, किस नाम का, इन ऑर्डर, यानी अब आपको पता लग रहा है कि ऑर्डर का क्या होगा, प्लस ए प्लस बी या कुछ भी हो सकता है, यानी वन प्लस टू कुछ भी इस तरह, लेकिन इन ऑर्डर में आएगा। ट्री नोड है कोई ना कोई इंट टाइप का, स्टेरिक ट्री नोड। ये स्टार क्या शो करता है जी, पॉइंटर्स को शो करता है। पॉइंटर्स होते तो वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन आपको रेफरेंस दे देते हैं कि मेमोरी में कहाँ पड़े हुए हैं। हम कहते हैं इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर ट्री नोड, ये जो फिक्टोरियल है इसका मतलब नल, आप कहते हो कि अगर ये जो हमारे पास ट्री नोड है इज नॉट इक्वल टू नल, कि नोड का मतलब क्या होता है, नॉट सॉरी फैक्टोरियल का मतलब होता है नॉट, तो आप कहते हो नॉट इक्वल टू, यानी फैक्टोरियल इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो सी आउट कर दो एक ब्रैकेट, सिंपल ये एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ट्री ऑर्डर, ये चूंकि पूरा कोड नहीं है, आपको एक ऑर्डर मिल रहा होगा, आप कहते हो सबसे पहले गेट लेफ्ट उठाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। देखो
आप अगर इन ऑर्डर की बात करते हो ना, तो इन ऑर्डर में ये जो पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट है. इन ऑर्डर में पहले देखें ये वन है ना, तो ये लेफ्ट वाली साइड पे वैल्यू आएगी. फिर आप कहते हो कि क्या उठाओ, ऑपरेटर को उठाओ और फिर राई. तो देखो आपने सबसे पहले गेट लेफ्ट किया, फिर आपने कहा ट्री नोड गेट इन्फो. अब इन्फो का मतलब कि जो भी चीज़ हमारे ट्री नोड में पड़ी है, बेशक वो प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है या डिवीजन है, तो उसे उठा लो और फिर राइट साइड पे लेकर आओ और सी आउट करके ब्रैकेट को बंद कर दो और आप बाहर निकल आते हैं और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है. अब ये सारे की सारी एक्सप्लेनेशन आपको वही बता रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी से बता चुका हूँ. ये देखें, पहले ब्रैकेट, फिर ए. अब कुछ भी पकड़ लेगा, जैसे प्लस था, फर्स्ट करें माइनस होगा, तो वो चीज़ें यहाँ से पकड़ के उठा लेगा. और ये डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कोडिंग नहीं इतनी ज़्यादा आती जितनी ज़्यादा आपको डायग्राम जो है पूछी जा रही होती है. चूंकि थ्री डेटा स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, लीनियर का मतलब कि आप इसमें इस तरह देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पेपर के लिहाज से ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए. सिंपल देखो, ये पोस्ट ऑर्डर है. अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, अब उसका कोड आप देखिएगा. ये देखें, ए बी मल्टीप्लाई और प्लस. अब ये बाद में आ गया क्योंकि ये पोस्ट ऑर्डर है. अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं, थोड़ा सा नीचे जाके कोड देखते हैं और फिर वापस आते हैं, अगर इसने कोड आपको दिया हुआ तो, वरना हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में देखा था आपके कोड को. अच्छा, इन्होंने आपको फिलहाल अभी कोड नहीं दिया. अब देखें, अगर हम कोड देखते हैं ना, तो कोड में हमारे पास जितना पीछे हम जाते हैं दोबारा से, लेट्स सपोज मैं ज़रा पीछे जाता हूँ. अब वहां पे जहां पे आपने इन ऑर्डर लिखा था ना, वहां पे ये देखें, अब जहां पे आपने ये जो इन ऑर्डर लिखा हुआ था, यहां पे आप पोस्ट ऑर्डर लिख देते. और पोस्ट ऑर्डर में यहां पे आप पहले क्या करते, पहले ये जो गेट इन्फो वाला सेक्शन था ना, ये यहां पे ना आता, फिर ये बिल्कुल लास्ट में आता. ठीक है, क्योंकि आपने पहले लेफ्ट लेना था, फिर राइट लेना था और फिर प्लस या माइनस आना था. जैसे देखो मैं कहता हूं वन टू और फिर प्लस. तो देखो, अब पहले मैंने वन यानी लेफ्ट वाला ऑपरेंड लिया, फिर राइट वाला और फिर ऑपरेटर. तो पहले लेफ्ट, फिर राइट और फिर ये नीचे आ जाना था. किस में? पोस्ट में. ठीक है जी. और प्री में क्या होना था? पहले आ जाना था ये वाला. तो ये चीज़ें आपके पेपर के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका और ये बिल्कुल एज इट इज़ ही है जो हमने पिछले पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, ये पोस्ट ऑर्डर में आपको बता रहा है. तो पोस्ट ऑर्डर में इसने क्या किया, इसने ए बी सी और स्टेरिक प्लस. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसने प्लस के सारे ऑपरेटर्स उठा के आगे रख दिए. ठीक है, तो ये पोस्ट ऑर्डर है. यही चीज़ पेपर में आपसे एज इट इज पूछी जाएगी, आपने इसी चीज़ को वहाँ पे भी जो है वो एक्सप्लेन करना होगा. करने से मुराद के सिंपल एक ट्री दिया जाएगा और कहा जाएगा पोस्ट करें या इसको इन ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें, वही सारा काम जो हम करके आ चुके हैं. अब कहते हैं हम क्रिएट करेंगे एक ट्री को आपके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर. स्टैक याद रहे लीफो है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपके थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट भी मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ और यही आपके प्रैक्टिकल के सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो CS301 के लोग देख रहे हैं वीडियो, या CS301 प्रैक्टिकल के लोग देख रहे हैं, आपने इसको याद रखना है. हाँ, जब भी स्टैक का वर्ड आएगा तो वहां पे आप दो एलिमेंट्स को यूज करते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पॉप. पुश का मतलब वैल्यूज इंसर्ट करना, पॉप का मतलब वैल्यूज को निकाल लेना. ठीक है, तो ये सारी बात आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है जो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यानी पिछले लेक्चर्स में जब हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे. अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास टॉप नोड है, यानी टॉप का मतलब कि जो आपका करंटली नोड है. जैसे आप फर्ज करो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, यहाँ पे 9 है. ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. अब आपको ना इस तरह एक पूरी ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये दिया होगा, यानी जैसे डायग्राम बनाई हुई है, 9, 2, 1, 4, ये भी नंबर लिखे होंगे. पेपर में कहा जाएगा जी, यहाँ पे जो बी आपको बता रहा है ना, ये कहा जाएगा ये टॉप है. अब आप बताएं टॉप कौन सा है, क्योंकि देखो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 ही उसका आंसर जो है वो बन जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये ए और बी को शो कर रहा है. तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो जो आपकी पेपर में या जो आपके आगे इन्होंने इंस्ट्रक्टर जो है वो दी होगी. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन काम क्या बताने वाला, वो ये है कि अगर सिंबल में कोई ऑपरेंड है तो क्या करो, उसे पुश कर दो स्टैक में. स्टैक का मतलब डेटा स्ट्रक्चर में इसको पुश कर दो, और प्री पोस्ट ऑर्डर के मुताबिक. जैसे देखें, अब यहाँ पे ए भी आ रहा है ना, तो ये देखो मैं लिखता हूँ ए, फिर बी और फिर प्लस. अब ये पोस्ट ऑर्डर बन गया. अब आप फर्ज करो मैंने ए प्लस बी लिखना था, तो यहाँ पे ए आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये इसको भूल जाए फिलहाल, ए प्लस बी, तो ये इन ऑर्डर बन गया. और अगर प्लस बी ए होता तो ये इतना सा काम देखे, तो ये प्री ऑर्डर जो है वो बन गया. ठीक है, तो ये वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है. अब इसके हिसाब से आप एक ट्री बनाने जा रहे हैं. देखो ए बी और प्लस. अब यहाँ पे देखो ये जो प्लस है ये सबसे बाद में है, आप प्लस को पेरेंट नोड बनाएं, ये देखें. ठीक है, और इसके दो चाइल्ड कौन से बनेंगे, एक लेफ्ट पे ए और राइट पे बी, ये आपके पास आ जाएगा. अब आप आगे कुछ ना कुछ इंसर्ट करोगे, सी डी ई. अब ये देखें,
सी डी ई, या आप मेमोरी में इस तरह कन्वर्ट करते हैं, यानी मेमोरी में ट्री इस तरह बनता है आपका। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है। सिंपल प्लस वाले पार्ट में अब देखिए यहाँ पे आए ए और बी। अब सी डी ई इनके आगे सब चाइल्ड बनेंगे, कैसे बनाएंगे ये देखें। अब यहाँ पे क्या बन रहा है इन्होंने, प्लस, ठीक है। अब ये प्लस है तो सी, अब ये दोबारा प्लस, डी और ई, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्दर आगे चलते हैं तो ये देखो, अब मल्टीप्लाई, चूंकि मल्टीप्लाई की प्योरिटी ज्यादा है, यानी उसको हम पैरिटी ज्यादा दे रहे हैं, हम उसकी अहमियत ज्यादा समझते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई को उसकी प्योरिटी पे रख लिया। फिर सी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस ई, ये मेमोरी के लिए आज से पेपर में नहीं आता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये वाली वैल्यू गिवन है तो आपने कैसे इसका ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करके देना है, ठीक है जी। हम फर्दर देखते हैं। ओके तो सिंपल ये आपका डेटा बनता जा रहा है ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई, ये दूसरा वाला मल्टीप्लाई हमें आप नजर आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई पे सी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस ई, सही है जी। तो ये आपने इस तरह से एक ट्री बना लिया। अब मेमोरी में इस तरह से ये सेव होता चला जाएगा। अब हुफमैन इनकोडिंग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास। कहते हैं देर आर अदर टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज, हमारे पास कुछ अदर टाइप्स के भी बाइनरी ट्रीज होते हैं जिसमें हम कंप्रेशन ऑफ डेटा को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ओके, इसमें ना डेटा कंप्रेशन की टेक्निक है, आप बिल्कुल इसको इस तरह समझ लें। और ये ना डेटा स्ट्रक्चर आपके इस टाइम, आप जो वीडियो यूट्यूब पे वीडियो अगर देख रहे हैं, या चूंकि इस टाइम मेरी ये लाइव क्लास चल रही है, जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास ले रहे हैं, तो उसमें ये है कि मेरी डायरेक्टली, जो कि लाइव में तो ये है कि मेरी क्लास गूगल मीटिंग पे हो रही है, तो एज इट इज जो स्क्रीन और जो क्वालिटी उस टाइम पे जो रेगुलर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके पास जा रही है, लेकिन यूट्यूब क्या करता है, वो इस टेक्निक को अप्लाई कर करके आपको ये जो है ना वो चीज़ें दिखा रहा होता है। जैसे आप कह लें कि यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो डाली, यानी ये वीडियो अपलोड की, उस टाइम पे इसका साइज था फॉर एग्जाम्पल 500 MB, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करोगे, और आप ये प्रैक्टिकल कर भी सकते हो, जब आप इसे डाउनलोड करोगे ना, तो आपके पास ये मिनिमम आ रही होगी 100 समथिंग में, या हो सकता है 100 से भी कम आ रही हो। क्यों? क्योंकि उसने ना मेरी इस वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, यानी उसकी क्वालिटी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने इसको गंदा कर दिया, क्वालिटी को, गंदे से मुराद कि उसने इसको थोड़ी सी इसकी क्वालिटी डिक्रीज कर दी, लेकिन इतनी एफिशिएंट वे में इनके एल्गोरिदम ने क्वालिटी को डिक्रीज किया कि आप उसको अंडरस्टैंड, या एक अपनी इंसानी आंख उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती कि क्या ये वो वही क्वालिटी है जो हमें किसी अपलोड करने वाले बंदे ने दी थी। इनका एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट है, और यही वो एल्गोरिदम है जो ट्री डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा होता है। हुफमैन इनकोडिंग की मदद से अगर आपने कोई चीज़ 10 MB की बनाई है ना, और अगर वो 10 MB से 5 MB में लेके जानी हो, तो हम उसकी क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट तरह से ये काम होता है कि हमें पता नहीं लगता कि इसकी क्वालिटी डिक्रीज जो है वो हो गई है। तो ये वो चीज़ है कि कंप्रेशन ऑफ डेटा, आपका डेटा कंप्रेस किया जाता है, आपकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया जाता है, और इस कोडिंग को हुफमैन इनकोडिंग टेक्निक का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिट करते हुए डेटा को डेस्टिनेशन पे फास्टर पहुंचाने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा GBs में है, तो हम उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम कंप्रेशन का हर जगह पे जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेशक वो व्हाट्सएप आप यूटिलाइज कर रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर्स हैं, या यूट्यूब, इनफैक्ट आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। और कहता है कि आप कंप्रेस कर सकते हैं 70% ऑफ डेटा को। और इसके अलावा जैसे आपको बता रहा है कि अगर आपका डेटा सिर्फ 1 MB का है ना, यानी 1 MB उस टाइम जिस टाइम आपकी ये किताब बनी थी, बहुत बड़ी मेमोरी थी, ठीक है। आजकल तो हम कुछ भी नहीं समझते, इनफैक्ट आजकल हम 1 GB को कुछ नहीं समझते, क्योंकि डेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना इंक्रीज हो गया है। तो 1 MB उस टाइम पे आप ऐसे समझ लें जिस तरह आज का 1 GB है, तो उस टाइम 1 MB इज द वेरी एफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो हम 1 MB को कंप्रेस कर सकते हैं कितना, 300 KB तक, देखें 700, यानी टोटल वैसे 1024 जो है वो आपके पास MBs बनते हैं 1 GB में, ठीक है। इस तरह 1024 KBs बनते हैं 1 MB में। अब अगर हम इस 24 को निगलेक्ट कर दें, निकाल दें, तो 1000 आप कह लो, तो 70% का मतलब है कि देखो उसने 700 MB कम कर दिए, पीछे 300 KB का डेटा रह गया जो सेंड होना है। यानी टोटल डेटा था 1 MB का, अब सेंड हो रहा है 300 MB का। जारी बात, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई। तो ये क्या कहता है कि इसने 3 मिनट्स का टाइम बचा लिया डेटा को सेंड करने में एक जगह से दूसरी जगह पे। आजकल तो जो कि नेटवर्क बहुत तेज है, तो इसलिए हमें पता नहीं लगता। तो इसको हुफमैन इनकोडिंग एल्गोरिदम कहा जाता है जी। इस एल्गोरिदम की मदद से आप अपने किसी भी डेटा को
जो है वो कंप्रेस करके, यानी फाइल को कंप्रेस करके एमबीज में, या तो केबीज में, जीबीज में, या तो एमबीज में करके सेंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। फायदा क्या है इसका? सिंपल, आपका नेटवर्क चलता है, यानी कि आपके नेटवर्क पे जल्दी चीज जाती है। जहाँ पे 5 मिनट का काम था वो आपने 2 मिनट में कर लिया। जेपीजी ये एक इमेज की जो है वो एक्सटेंशन है, उसमें कहता है कि आप कंप्रेस कर सकते हैं इस स्कीम से, और ये 1952 में आया था और ये आपके असाइनमेंट यानी एमआईटी का पार्ट है। पर ये इसमें एज सच इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये कंप्रेशन के जो है वो क्वेश्चन समटाइम पूछ लिए जाते हैं एज अ प्रैक्टिकल, सॉरी थ्रेटिकल, के व्हाट इज अ कंप्रेशन टेक्निक। आपने सिर्फ ये बताना है कि डेटा को कम करना कंप्रेशन कहलाता है। इस तरह इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ट्रावर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये देखो, ये 33 करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको मैं आपको इसने एक रूल्स और रेगुलेशन बताए हुए हैं। अब ये एक लाइन है, यानी ये एक कोड है, ये करेक्टर्स हैं जिसमें ट्रावर्सिंग स्पेस थ्रेडेड स्पेस बाइनरी स्पेस ट्री, ये टोटल करेक्टर है 33। अब ये आपने ना सेंड करने हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो कैसे आप सेंड करोगे? कहता है इसके लिए हमें आस्की कोड, आस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा। ये क्या काम करता है, ये 0, 1, 9 और स्पेशल वेरिएबल्स को यूज करता है, और ये मतलब इसके स्पेशल वेरिएबल है जो हमने इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। इसका कुछ ना पीछे कोड है, वो कोड हम याद नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और पेपर में आता भी नहीं है, ना हमें याद करने की ज़रूरत है। बहरहाल याद रखना है आपने ये पॉइंट के 26 लोअर वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में और 26 अपर केस हैं, जिस तरह ए बी सी है, तो वो टोटल उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 26 है। तो आस्की के टेबल में इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज पहले से डिफाइन है। आप कहते हैं 33 करेक्टर्स हैं, आपने इसे कंप्रेस करना है, ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, इसको आपने पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी वर्डिंग आपने याद रखनी है। क्या वर्डिंग है, मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकल जाके करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए काम कैसे करता है। जैसे देखो, ये जो एन एल है, ये आप करेक्टर गिने ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, यानी कम कैसे किया जाता है, ये उसको आपको बता रहा है। यानी कम करने का तरीका, ये जो उसने आपको थ्रेटिकल फॉर्म में वर्डिंग बताई है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे वर्किंग जो है वो हो रही होती है। अब ये जो एन एल है, ये टोटल 1 दफ़ा आया इस पूरे वर्ड में, हम देख भी लेते हैं। एक ये देखो एन यहाँ पे है और एल आपके पास देखें तो कहीं पे भी नहीं है मेरे मुताबिक, लेकिन यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। अच्छा जी, यहाँ पे जो एन एल है, इसका मतलब है जी न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइन का मतलब कि कितनी दफा आया हुआ है स्पेस, और ये जो एस पी है ये स्पेस है। तो देखो न्यू लाइन जो कि एक ही लाइन है, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है वो न्यू लाइन नहीं आई। अगर हो सकता है यहाँ पे एक और लाइन होती तो वो सेकेंड लाइन हो जानी थी, लेकिन वहां पे हमारे पास कोई भी लाइन नहीं है। स्पेस देखें तो एक, फिर दो और फिर तीन, तो 3 दफा स्पेस है। ए कितनी दफा यूज हुआ है आप गिन लीजिएगा, 3 दफा ए यूज हुआ है। इस तरह बी डी जितने भी वर्ड्स हैं देखें उसने यूज किए हुए हैं। अब इनका ना कोड है प्रॉपरली, ये देखें, जैसे ए 3 दफा यूज हुआ, अब ये आपको बता रहा है कि जो जो जितनी दफा यूज हुआ है ना उसके हिसाब से इसने लिखे हुए हैं। ये देखो ए इसने लेवल पर रख लिया 3, फिर उससे नीचे वाला लेवल जारी बात है 2 होगा। वो जो वर्ड्स हमने ऊपर देखे हैं ना, जैसे देखें 1 1 1, तो 1 1 1 कितने दफा है, जिस तरह 2 जो है, अब डी 2 दफा यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज आपको बता रहा है, ये देखें DINS जो भी 2 2 दफा यूज हुए हैं वो यहाँ पे वर्ड्स लिख लिए। फिर जितने वर्ड्स आपके पास यानी करेक्टर्स 1 दफा यूज हुए हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे, और फिर जितने दफा आपने अपने 5 करेक्टर्स को यूज किया वो आप यहाँ लिख लेंगे, और स्पेस यहाँ पे आप डिक्लेयर कर लेंगे। तो ये सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमने क्यों यहाँ पे जो है वो 3 स्पेस सबसे अलग किया, हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि ये स्पेस आपका करेक्टर नहीं है, लेकिन इसने आपकी मेमोरी में जगह को रिजर्व करना है। आपकी मर्जी है, आप इसे यहाँ पे कर लो या आप इसको यहाँ पे कर लो, ठीक है। इसमें कोई ममानत नहीं है कि आपने इसको सबसे अलहदा रखना है, आप इसको इधर भी कर सकते हो स्पेस देके, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। अब कहता है जी क्या करना है आपने, अब ये कंबाइन कर रहा है लेटर्स को, यानी वाई लेटर को और इस तरह का। जब आप कंबाइन करोगे अपने फ्रीक्वेंसी को, तो जो आपके पास पेरेंट नोड बनता है ना, जैसे 2 है, अब वो 2 को आप सबके साथ मिला दोगे, तो अब आपके नेटवर्क में कम एमबीज को यूटिलाइज जो है वो करना पड़ेगा। ये देखें 3 3, ठीक है। अब इसके साथ 1 4, फिर 6, फिर 3 3। अब ये क्या चीज है, सिंपल, टोटल कितने करेक्टर थे? टोटल थे 33 करेक्टर्स। अब वो करेक्टर्स कौन से हैं जो 3 3 दफा यूज हुए या 2 2 दफा यूज हुए, वो टोटल किया आपने तो वो 14 बन गए। अब चूंकि 14 इससे छोटा है लेफ्ट वाली राइट साइड पे आ गया, और 19 जो कि ज्यादा करेक्टर थे वो इससे बड़ा था वो राइट वाली साइड पे आ गया।
तो ये सिंपल आपको यहाँ पे वो चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करके दिखाई जा रही है। सो दिस इज़ द होल लेक्चर। आप नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसी को ही पढ़ोगे, तो ये आपके पास अभी एक लेक्चर था जो हमने अभी हाफ किया है। नेक्स्ट लेक्चर आपका इसका सक्सेसर होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।